और यहाँ पे मदरसे जाने के लिए भाई जो हाउस ड्राइवरिंग में सारे ड्राइवर होते हैं उन लोगों को उठना पड़ता है 5 बजे 5:30 टाइम है। और अभी मैं जा रहा हूँ पानी लेने के लिए कि पीने वाला पानी मेरा देखो ख़त्म हो गया है। ये खाना बनाने में भी यूज होता है और पीने में ले लेंगे पराठा क्योंकि पराठा मिलेगा। यहाँ करते हैं भाई अपना मकई का खेती और देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया है मेरा मकई। और सो हे गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग में स्वागत है, कैसे हो आप लोग, उम्मीद करते हैं भाई बढ़िया हो गया। तो अभी सुबह का टाइम है और अभी मैं जा रहा हूँ पानी लेने के, पीने वाला पानी मेरा देखो ख़त्म हो गया है और एक बोतल खाना बनाने के लिए भी चाहिए था, तो चलते हैं लेके आते हैं। और देखो सुबह का टाइम है और मस्जिद के सामने अभी हम हैं, जुमा मस्जिद के सामने, और टाइम देखो कितना हो रहा है, 7:30 हो रहा है। सो हे गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग में स्वागत है, कैसे हो आप लोग, उम्मीद करते हैं बढ़िया हो गया। तो भाई अभी सुबह का टाइम है और बज रहा है अभी 7:30 देख सकते हो आप लोग। और अभी मैं जा रहा हूँ पानी लेना था और नाश्ते के लिए चलते हैं, सुबह का टाइम है तो पराठा भी ले लेंगे। अभी है मॉर्निंग। तो भाई सुबह यहाँ पे कितने बजे उठना पड़ता है भाई आप लोगों को बताते हैं, चलते वीडियो में बने रहे हैं। तो भाई अभी 7:30 हो गया है और मैं मैडम के लड़के को छोड़ के आ गया हूँ मदरसे पे। और यहाँ पे मदरसे जाने के लिए भाई जो हाउस ड्राइवरिंग में सारे ड्राइवर होते हैं उन लोगों को उठना पड़ता है 5:30 5:30 6:15 20 पे मदरसा जाना रहता है छोड़ने के लिए सुबह के टाइम में। और यहाँ ये है मदरसे के नियम बहुत अच्छा है, एकदम सुबह मदरसा रहता है। जैसे कि अपने इंडिया में तो समझ लो 6 बजे हम लोग उठते हैं फिर स्कूल जाने के लिए रेडी, 9-10 बजे तक स्कूल होता है, यहाँ 10-11 बजे छुट्टी हो जाता है, 11 बजे छुट्टी हो जाता है 11:30 बजे और 6 बजे से लेके, तो 6 बजे जाना होता है तो हम लोग 5:30 5:30 आधा घंटा पहले उठते हैं, फ्रेश होते हैं और नाश्ता करने का तो टाइम नहीं मिलता क्योंकि ज़्यादा ही सुबह उठ जाते हैं हम लोग। तो अभी नाश्ता हम नहीं किए हैं, उठ के तुरंत गए मदरसा छोड़ के आए हैं, ये डेली का काम है। लेकिन मैं आप लोग को सोचा कि आप लोग को भी बताऊं कि सुबह को मदरसा के लिए कितने बजे उठा जाता है, कितने बजे तक छोड़ के आ जाता है, कितने बजे स्कूल था। तो लंडे को तो छोड़ के आ गया मैं और देखो रास्ता काफ़ी खाली हो गया है क्योंकि जो छोड़ने वाले थे सबको छोड़ दिया, 7:30 हो गया, 1.5 घंटा टाइम हो गया है। तो मैं भी उठा हूँ सो क्या जुरंत देखा तो भाई पीने के लिए पानी होनी ख़त्म हो गया था मेरा, तो सोचे हैं कि उन्हें चल के ले आ दिया भी जाएगा और आप लोगों को कुछ बता भी दिया जाएगा। तो अभी हम निकल गए हैं और ये देख सकते हो थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, जो ऑफिस वाले लोग हैं। तो चलेंगे पहले ले लेंगे पराठा क्योंकि पराठा मिलेगा पास में, और उसके पास ही बकाला है, बकाला को बोलते हैं यहाँ पे मार्केट मतलब दुकान हो गया, अपने गांव का जो छोटा दुकान होता है ना इसको वहाँ पे बकाला बोलते हैं, और जो मॉल हो गया उसको सुपर मार्केट बोलते हैं, बाकी नाम वाम जो है जो भी मार्केट का। ये वाला पानी लेना था मुझे, वो ये सामने दुकान है बंद है, तो यहाँ पे जैसे अपने यहाँ फिल्टर का पानी का जो वो रहता है ना जहाँ से जुरंत भर के मिलता है तो वैसे ही था, तो यहाँ सस्ता मिल जाता है तो यहाँ से नहीं लेंगे, 5-6 रियाल में मिलेगा, और बकाले से ले लेंगे। और पीने के लिए पानी ले लेते हैं वाइट वाली और इसको तो बाद में ले लेंगे, अभी एक डिब्बा है मेरे पास लेकिन एक्स्ट्रा रखता हूँ मैं कि एमरजेंसी में, ऐसे देखो अभी ख़त्म हो गया, अगर एक डिब्बा रहेगा तो फिर दिक्कत होता है। और सुबह का टाइम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, ठंडा मौसम। हाँ और ये भी बता दूँ भाई आप, ठंडी चालू हो गया भाई, इधर भी देख सकते हो हम जैकेट पहने आज और काफ़ी ठंडा लग रहा है। अभी सुबह में भाई उठे तो भाई एकदम शरीर हिला दिया भाई, इधर ठंडा कुछ ऐसा होता है ना भाई, धूप रहता है कभी यहाँ ना ज़्यादा कुहासा नहीं रहता है, बहुत कम कुहासा होता है, और बाकी भाई ठंडा तुम देखोगे ना भाई, धूप रहेगा लेकिन हवा से ना भाई पूरा बॉडी हिल जाता है भाई, इंडिया से तो तगड़ी ठंडा लगता है यहाँ पे। और सभी भाई पाकिस्तानी बांग्लादेश के लोग अभी अपने अपने ड्यूटी पे जा रहे हैं सुबह का टाइम। हम भी आ गए, देखो यहाँ पे सब गाड़ी जाम ही लगा है भाई, इधर कहीं पार्किंग नहीं मिलेगा क्योंकि सब कोई आया है भाई पराठा वराठा लेने। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है ये देख सकते हो, और बहुत जल्दी मुझे मिल गया ये आलू का पराठा है, ठीक है। और चलते हैं पानी लेना है अब इसका चाबी कहाँ गया मेरा,
ये रहा पराठा मेरा आलू का, अब बस पानी लेना है और चलते हैं रूम पे। और कुछ चीज़ें हैं यहाँ की भाई के, यहाँ कितना भी महंगाई हो जाए लेकिन वो चीज़ का रेट नहीं बढ़ता, जैसे रोटी हो गया, ये सब पराठा भी क्यों हो गया। पराठा 2 रियाल का मिलता है, ठीक है, 2 रियाल का आलू पराठा एक मिलता है, सुबह में आपका पेट भर जाएगा खा के। तो ये सब चीज़ है जो उसका रेट नहीं बढ़ सकता भाई, रोटी का और बाकी जो लोकल का चीज़ है छोटा मोटा। जो आदमी यहाँ हेल्परी में काम करते हैं भाई, समझ लो कि सुबह इनसे इनसे ही काम चल जाता है, नाश्ते का, खाना वाना बनाने का सुबह का टेंशन नहीं रहता है, बाकी जब टाइम मिलता है तो खाना बना लेता है आदमी। और देखो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। ये गलियाँ ही दोबारा, तो आप लोग कोशिश करो कि जब हाउस ड्राइविंग में जब आप आ रहे हो सऊदी अरब में, तो कोशिश करो कि आप लोग घर से आदत बना लें इस चीज़ का, सुबह में उठने का, जैसे कि नमाज के टाइम हो तो आप लोग नमाज भी पढ़ लोगे और आपका आदत भी बन जाएगा सुबह उठने का, ठीक है। तो ये चीज़ का आप लोग आदत बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप आने के बाद दिक्कत नहीं होगा फिर आप लोगों को। अब कई लोग होते हैं परेशान हो जाते हैं इससे, भाई यार डेली का मान लो 1-2 महीने का तो काम तो है ही नहीं, साल भर, 2-2 साल, 3-3 साल आदमी को हो जाता है एक ही काल रेगुलर करने में। डेली सुबह उठना है 5 बजे, सुबह खाना है, नाश्ता है, सब चीज़ खुद से करना पड़ता है भाई, घर नहीं है कि 10 बजे उठोगे। अब कई लोग हैं आने के लिए तो सोच रहे हैं, लेकिन आदत है उन लोगों को 10 बजे उठने का, खुद से कपड़ा नहीं धुलते हैं, खुद से उठा के एक गिलास पानी नहीं पीते हैं, तो उन लोगों के लिए सऊदी नहीं है भाई, साफ कहना है कि उन लोगों के लिए सऊदी नहीं है। जो सऊदी में आके रुकना चाहते हैं, टिकना चाहते हैं ना भाई, उनको आदत बनाना पड़ेगा और उनको ये चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये अबू बकर पे आ गए और यहाँ पे सुरता खड़ा रह रहा है, तो अभी हम कैमरा बंद कर लेंगे। देखो वहाँ पे गाड़ी भी रुका दिया है, चेकिंग चल रहा है, देख सकते हो ये 120 का स्पीड वाला रोड है। देखो वहाँ पे चेक हो रहा है और ठीक सामने देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे चेकिंग चालू है। हम आ गए भाई बकाले पे, पानी लेना है, ये भी फुर्सत में है, इनका भी इस समय मेड़ होना ही लगा। देखो गाइस ये पानी लेना था हमको वाइट वाला, ये रुपए बोतल पानी रहता है, ये अलग कंपनी का है, ये अलग कंपनी का है, ये खाना बनाने में भी यूज होता है और पीने में भी यूज होता है, तो हम लेंगे यही वाला, ये अच्छा है पीने के लिए। गैस ले लिया बकाले से भी पानी, 15 लीटर नहीं है, 10 लीटर का होता है ये पीने वाला। तो अभी हम निकल चुके हैं रूम पे, सारा काम हो गया मेरा, अब ये टिक टिक करेगा, अब चलते हैं रूम पे, मिलते हैं आपसे। तो अभी पहुंच गया रूम पे, थोड़ा सा हल्का सा खोलेंगे हम, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए धूप इतना ज़्यादा हो रहा है ना, एयर बन जा रहा है इसी में। देखो कैसा हो गया हमारा, आजा मुन्ना, ये वाला डिब्बा रख देते हैं पीछे, फिर ले लेंगे आएगा जब पानी वाला। हम लोग रूम खोल लेते हैं, बताओ भाई पानी नहीं उठ रहा है, भारी है।
अब गाइस सोएंगे हम, क्योंकि रात में भी नहीं सो पाते हैं, दिन में भी नहीं सो पाते हैं। ये वाला में कम हो गया था पानी मेरा, मेरे को थोड़ा सा पानी था इसमें। गाड़ी लॉक करते हैं, तो गाड़ी लॉक हो गया, और नाश्ता कर लेते हैं, ठीक है। अब आ गए गाइस रूम पे, और फिर मिलते हैं अब आपको मदरसे का टाइम, अभी मदरसा जाएंगे 11 बजे। पराठा आधा रास्ता में खराटा कर दिए हैं खा के, और अभी पानी ठंडा है तो थोड़ा एक गिलास पीते हैं सुबह सुबह। सुबह सुबह पानी पीना बहुत फायदे होता है। अब भाई लोग हम सोएंगे, क्योंकि 2-3 घंटा टाइम मिलता है दिन में सोने के लिए। मैं तो जैसे मदरसा खत्म होता है वैसे फिर ड्यूटी चालू हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहो और चलते हैं, थोड़ा सो लेते हैं भाई, ठीक है। तो गाइस अभी हो गया दोपहर, और ये घर पे आए हैं कपिल के, जो कल बता रहे थे आप लोगों। तो गाइस जा रहे अभी हम लोग होटल से खाना लाने के लिए। रिजवान कह रहा था आज भी जाएंगे खाएंगे होटल वाला ही, कहे चलो चलो भाई चलो 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 आ जाओ चलो आ जाओ चलो फटाक से चलो। अब नहीं लेट हो रहा है, तो गाइस जा रहे हैं आज भी हम लोग खाना लाने के लिए मकान पे, और टाइम देख नहीं मिल रहा है भाई, सुबह में इतना सुबह उठना पड़ रहा है। देखो भाई बिना बताए गए है लेते आए हैं तो अब तो बढ़िया है भाई, खाना आ गया, अब खाएंगे यहीं से। अरे ना भूख लगा हो तो हम इंतजार नहीं देखता फिर रोज। हमको भी भूख लगा है, ये देखो भाई घर यही है सामने वाला। तो चलो शुरुआत करो, बोल हल्ला बोल। तू भाई अपने तरफ देखो खाना चावल मालूम तो मालूम है भाई, खाली खाता चल रहा है बस, खाता क्या करेगा बनाने में दिमाग खराब हो रहा है खाना बनाने भाई, हम भी उसका किया है ये भी है खाना। देख रहे पूरा ऐसे छोड़े रहते हम लोग ज्यादातर। ये कौन सा चावल लेकर आया है? ये हमको मालूम नहीं था शुक्रवार। अबे यार उसको तुझे वो बोलना चाहिए था, ये हरामी पंती करता है भाई बंदा। देखो यार हम लोग जो खाते हैं वो ताला वाला ये दिया है जो ज्यादा नहीं चलता। चलो कोई बात नहीं चलेगा, तुमको इसीलिए मैं बोल रहा था भाई, चलो उसी को लिया था जिसको बताया था। चलो खा लो। कितना बजे उठे था सुबह में? हम देखें गाड़ी नहीं था, गए थे क्या मदरसा? अब सुबह से नहीं सोए हैं। ये क्या है पेड़? ये लग रहा है किसी पेड़ से नींबू से गिर गया, टूट गए। चलो भाई गाइस खाना वाना खा के मिलते हैं आप लोग से। तो गाइस खाना वाना खा लिया, रिजवान जा रहा ड्यूटी। चलो रिजवान पैसे दे दे भाई, खाने खा के चला गया। मदरसे के पहले ही स्टेशन पे मैं भेज दिए हैं, अरजान हो गया अभी चल रहे हैं रूम पे। बेकार खपसा खिलाया हो तुम, मजाक नहीं। हाँ और हो गई शाम। ओ देखते हैं मेरा मकई कैसा है, सूख गया है कि अभी जिंदा है। हमारा मकई हो रहा है खराब गाइस, मकई हमारा कितने दिन के बाद होगा भाई। ये हमारा खेती है भाई, इसमें हम करते हैं खेती। मर्चा उर्चा भी बोए हैं, अभी दिखाते हैं आपको। इधर देखो कितना सारा बोया हूँ मकई, देखो इसी में अब लगाएंगे धनिया, धनिया लगाएंगे इसमें होगा फर्स्ट क्लास धनिया। ये देखो मेरे कपिल का भाई का गाड़ी है भाई, BMW। पंपू सेट चालू कर दिए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप हो रहा है ना, देख लो कैसे हो गया सूख के।
इसमें बिना पानी नहीं मारेंगे ना भाई, दो दिन में सूख जाएगा। ये देखो कितना ख़राब हो गया, कितने महंगा महंगा का आया था ये, एक एक था 50-50 रियाल का। देखो ये कैसे हो गया सूख के, कुछ भी ख़राब हो जाए हमारा ये नहीं ख़राब होना चाहिए। देखते हैं कितना बड़ा होता है। शाम को हमारा यही काम रहता है, तीनों भाई के घर पे जो फूल का पेड़ लगा है उस पर पानी वानी मारना रहता है। ये सुल्तान का है, और ये देखो बेचारी प्यासी हुई है, वेट कर रही है मैं कब जाऊँ पानी भर के, तो ये पिएगी प्यास लगा है तुझे। ओए मुन्नी आजा आजा पी ले, जा रहा हूँ आजा पी ले, पानी भर के रखा हूँ मैं वहाँ पे। अभी मेरा बाकी है, ये भी हो ही गया। ये भी हो गया दो घर, ये मेरा घर, यहाँ चार पांच घर सब मेरे कपिल के भाई का ही है। अब इसको चालू कर दे, मेरे में तो रहता है हमेशा भर के रखता हूँ, बस इसमें मारना है। ये देखो कैसे हो गया, सूख गया एकदम पानी। इसमें मारना रहता है मुझे मगरिब के बाद, ठीक है। ये सब भी काम का आदत हो जाता है, टेंशन ना लो तुम लोग। हल्का फुल्का तो काम है, इसमें क्या है, इंसानियत है। नहीं भी बोलते तो मैं डाल देता हूँ। तो भाई जैसे अरजान ख़त्म नहीं होता है मेरा ड्यूटी लग जाता है भाई, हर खमीर हर शाम को। अभी हम चल रहे हैं, रूम बंद कर रहे हैं, अब गाड़ी चालू करते हैं, देखते हैं कहाँ जाती है मैडम। ओ तेरी, गाइस अभी आ गए हम मैडम के माँ के घर पे, और भाई पूछो मत। आज तो भाई आधा घंटा का रास्ता 3 घंटा लगा है भाई आने में, इतना ज़्यादा ट्रैफिक पूछो मत। आज लेके आ जाऊँ बोतल, यहाँ पानी है मस्त पानी है भाई, यहाँ पे यहीं से ले लेते हैं फिल्टर का पानी हम। चलो आज किस्मत अच्छा है कि बोतल रखे थे। आराम से भर ले, पानी भी आते जाता है, थोड़ा सा पहले धुल लेते हैं। चलो हो गया, देखो गिलास उलास सारा चीज है यहाँ पीने वाला। अब यहाँ से मैडम जाएगी भाई कम से कम 12 बजे, अब फिर से खाना नहीं बना पाए आज, देखते हैं चलते हैं मकाम पे खाएंगे। और जैकेट नहीं पहन के आए, और जैकेट में पैसा था, अब चलते हैं देखते हैं भाई खिलाते हैं नहीं। और पता नहीं कौन मेरे कपिल से बोल दिया है कि डीजल गिरने पर, यह कोयला रखने से डीजल निकल जाता है, तो ये था इसमें। अभी इसका महक नहीं गया भाई, अभी भी महक रहा है, फुल हो गया, थोड़ा सा और बचा है। खाना बनाने के लिए पानी अच्छा होता है ये वाला। गाइस हो गया पानी हमारा फुल, जो भी भाई लगाएं थैंक यू सो मच। बीस लीटर का पानी, अरे तेरी हो गया। अब
पानी काम, एक बोतल है रूम पे चल जाएगा काम इतने में। चलते हैं आराम से, कुछ देखेंगे वीडियो वीडियो, चलेंगे होटल देखते हैं खाना होना का क्या सिस्टम होता है। अभी अभी तो 7-8 बज रहा है, 8 भी नहीं बजा अभी। मैडम निकलेगी मुश्किल से मुश्किल 12 बजे नहीं, क्योंकि कल मदरसा है तो जल्दी निकलना चाहिए। वैसे अभी तो टाइम है, बाद में चलेंगे मतान पे, अभी बैठते हैं आराम से। चलते हैं दोस्त खाना खा के आते हैं, क्या बैठा जाए फालतू में। मदरसा है अभी 10-11 बजे निकल जाएगी, तो फिर खाना भी कब बनाएंगे, 1-2 घंटा पहुंचने में लग रहा है रूम पे। तो चलते हैं मतान पे खाना खा के आते हैं भाई। कुछ है भी नहीं, ना खमीस है ना कुछ त्यौहार है ना कोई फंक्शन है, फिर भी इतना ट्रैफिक समझ नहीं आया आज। ये गाड़ी देखो, गाड़ी लोडिंग वाली गाड़ी, ये लो गाइस, ये है मतान। और यहाँ मतान पे भाई पार्किंग में नहीं रहता है कभी भी आते हैं हम। चलो एक गाड़ी निकल रहा है, देखते हैं। ये है भाई साहब का मतान, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम दे देंगे, ठीक है। चलो गाइस खाना उन्हें खा लिए, चलते हैं वहीं वेट करेंगे बैठ के आराम से। और देखो ये मौसम धुआं धुआं हो गया है पूरा एकदम। भाई सब खाना खिला दिए, पैसा नहीं था तो वॉलेट छोड़ दिए थे, जैकेट में पैसा रखे थे। ये है कि भाई बात व्यवहार तो है अल्हम्दुलिल्लाह, कि कहीं भी चले जाओ कुछ पूछ दो तो कोई दिक्कत ना हो। भाई अभी जैसे मैं खाना खा कर निकला, देखे पीछे गाड़ी लगा पड़ा है मेरे, इधर पार्किंग का इतना दिक्कत होता है भाई पूछो मत। तो भाई अभी वो खाना खा रहे हैं लोग उधर, देखो अब खाने पे अब कैसे उठाएं हम लोग, उनको वेट कर ले रहे हैं। कोई बात नहीं, खाने से हम नहीं उठा सकते हैं भाई, खा लेना तो कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे हम आएंगे तब तो। पार्किंग लगा देते हैं भाई, खाना खा लिया और आ गया मैं रूम पे खाना खा के। अब यहीं वेट करेंगे भाई 2-3 घंटा तक। हम लगाते हैं मूवी एक आराम से, देखते हैं। अब मैडम निकलेगी तो चला जाए घर पे। इसमें है सामान, गाड़ी में छोड़ के चली गई, क्या है ये, चार्जिंग है इसमें, देखो छोड़ के चली गई है। अभी आएगी फिर से ले जाने के लिए। क्या रे, क्या गुंडा बनेगा तू। सभी कितने बजे आए हैं, 12-1 बज रहा होगा। जैकेट नहीं लेके गए थे यार, ना ठंडा लग रहा है। बारह बज के 24 मिनट हो रहा है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं कल फिर एक और वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, टाटा बाय बाय।